जो इंटरनेशनल ड्रग इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो 26 जून को हर साल मनाया जा रहा है और आज हमारी यूटी में भी हम ये मनाने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा यही है कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि ये ड्रग एडिक्शन जो है ये कितनी जानलेवा और वो ये एक ऐसी वबा है जो घर घर की बात है। आज का इस साल का जो थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, आप ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी भी घर में, मेरी लोगों से गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है, टीचर्स से गुजारिश है, क्योंकि हर एक फर्द जो हमारे समाज में है उसका एक कंट्रीब्यूशन है इस ड्रग डी एडिक्शन में, और उनसे यही गुजारिश रहेगी इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने की ज़रूरत है। जब ही लोग आगे आएंगे तभी इसका ट्रीटमेंट होगा, तभी इसका इलाज होगा। तो ये जो चीज़ है हर एक की, पेरेंट से लेके मोहल्ला कमेटी, हमने एक ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी बनाई थी 2019 में जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डुल्लू साहब ने इनॉग्रेट किया जीएमसी में। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि किसका क्या क्या रोल है इसमें घर से, क्योंकि ये वबा जो है ये घर से ही स्टार्ट होती है। कई बच्चे किसी पीर्स के इन्फ्लुएंस में आके, या कोई किसी को कोई टेंशन होता है, कोई घर वाले आपस में जो लड़ते रहते हैं उनको ये ख्याल रखना ये बच्चे के दिमाग पे असर करता है, उससे भी ड्रग एडिक्शन में जाते हैं। और कहीं बच्चे जिनको मेंटल इलनेस में होती है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एमडीपी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, या सीवियर एंग्जाइटी है, उससे भी ड्रग एडिक्शन में जा सकते हैं। ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है। हमारा जो पहला स्टेप है, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी गाड़ियाँ, अपने बंगले अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और बच्चा जा रहा है ड्रग की तरफ। तो वालदेन का पहला फ़र्ज यही है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, उनको टाइम दे और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। जो ही किसी घर में माँ बाप को, भाई बहन को, स्कूल टीचर को, हमसाया को, पड़ोसी को इस बच्चे में कोई चेंज नज़र आए, ये कल तक खाता पीता ठीक है आज खाता नहीं है, कल तक ये सोता ठीक है आज सोता नहीं है, अकेला कहीं जाके आपस में ही कुछ करता रहता है, कोई भी बिहेवियरल चेंज लगे उनके दिमाग में ये आना चाहिए शायद इस लत में ये मुलव्वस तो नहीं है, तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल पे हर एक जगह डॉक्टर्स हैं जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा जो 120 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे ऑनरेबल हमारे पीएम साहब ने, तो उनमें से 120 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 डिस्ट्रिक्ट्स ही कर पाए ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। और अच्छी बात यह है, बहुत खुशखबरी ये है कि हमारी यूटी में 8 जगह पे ये एंट्री ड्रग ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्टार्ट की गई है कोविड के होने के बावजूद भी। और बाकी जो दूसरे लोग हैं जैसे आप साहिबान हैं, मीडिया के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो भी है, हर एक का अपना अपना रोल है इसमें, और हम अपना रोल निभाए। ज़्यादा सिट्रस में ये दूंगा, जो मोहल्ला कमेटीज होती है, मोहल्ला कमेटी एक दूसरों के बच्चों पे नज़र रखे, क्योंकि ये मैं कहता आ रहा हूँ, अगर पड़ोसी का घर जला तो मेरा घर जलेगा ही जलेगा। आज अगर पड़ोसी का बच्चा इस वबा में गया, इस मुसीबत में गया, कल परसों मेरा बच्चा भी जा सकता है। तो इनिशियली इसको कैच करें, बच्चों पे नज़र रखें, और फिर हमारी नोट्स में लाए। हमारे OST सेंटर्स है, ओपॉइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी जो IV ड्रग यूज़र के लिए होती है, या हमारा डी एडिक्शन सेंटर जो GMC में है, GMC में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर SMHS के पास है, वहाँ रबता किया जा सकता है। हमारे साइकेट्रिस्ट जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है उनके साथ बात की जा सकती है, या अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर से मिलकर उससे बात की जा सकती है। उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है पूरा गवर्नमेंट ने जम्मू में भी रखा है, यहाँ भी रखा है, पुलिस हॉस्टल में भी है। और इसके तीन कारण होते हैं, जो चेन होती है कि इसको ख़त्म करें, जैसे उसमें हमारी पुलिस रोल करता है, क्राइम रोल करता है,
और हमारे एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट है वो रोल करता है ताकि जो ये क्रॉप है उसको खत्म करे, चेन को खत्म करे। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट जो है वो हेल्थ एंड मेडिकलाइजेशन करता है, और ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन जो अदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस करती है, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इवन वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। क्योंकि इसमें यह भी देखा गया है कि आजकल हमारे बच्चे ही नहीं, कुछ बच्चियां भी ये ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, आज के दिन 26 जून को जो ये एंटी ड्रग एडिक्शन डे मनाया जाता है, कि लोग अपने बच्चों पे ध्यान रखें और उनको इस वबा से बचाएं। डॉक्टर साहब, अभी दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं इससे पहले जब मैं डायरेक्टर एड्स कंट्रोल था हमारे ओएसटी सेंटर में, 2018 में 70 बच्चे आते थे ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें, जम्मू में भी कुछ 100 तक आते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो हुआ 500 है जम्मू जो ऑन ट्रीटमेंट है हमारे ओपोइड सबस्टिट्यूशन थेरेपी पे। आप देखिए कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये घर घर की कहानी है, हमें इस पर सोना नहीं है। कोई ये कह रहा है जिस तरह एचआईवी एड्स के बारे में पहले इंडिया में कहा जाता है ये यहाँ की बीमारी नहीं अमेरिका की है, ये अफेरिका की है। डिनाइल मोड में रहना ही नहीं है, हमें अलर्ट रहना है, आंखें खुली रखनी है। वो डिनाइल, ये उस मोहल्ले उस घर उस जगह की बीमारी नहीं है, घर घर की बीमारी है। अपने बच्चों पर नजर रखें और कोशिश करें जितना अर्ली हम इसको कैच करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट बेस्ट प्रोग्नोसिस, और ये इसमें एक अच्छी चीज ये है कि अगर हम प्रिवेंट करें तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। कोई ये ऐसा खुदा ना खासा कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ताकि इसके दो चार वजूहत है, जिसमें एक ये भी है कि माँ बाप को ये लग रहा है हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते, बच्चे पे इसका कोई असर नहीं होता। बच्चे पे असर होता है, उसका प्रीमैच्योर ब्रेन है उस पर बहुत असर हो जाता है इन चीजों का, जो रोज रोज का वो एक इम्पॉर्टेंट काज है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काज है कि कोई मेंटल इलनेस, जैसे कि आपको मैंने बोला डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले बच्चे ये है कि जी मैं परेशान हूँ, उसको कोई और बच्चा मिलता है नहीं, कोई ले लो ये टैबलेट, ले लो ये इंजेक्शन, आप ठीक हो जाओगे। या MDP मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, या सीवियर एंजाइटी हो गया दूसरा काज। तीसरा काज हो गया ये कि आजकल के बच्चे ये जो एक दूसरे को देख के किसी गलत आदत में डाला, कोई बच्चा उसने दूसरे बच्चे को वो यार ले ले अभी ले ले मजे के लिए ले ले, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें फंसता जाता है। और ये ऐसी एडिक्शन, इट इज वेरी इजी टू गो इनटू द एडिक्शन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल टू कम आउट ऑफ दिस।